दोस्तों आज मैं अपना गाड़ी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आज गाड़ी में बैठ करके आपको बारीकी से समझाता हूँ, ठीक है। आइए मैं गाड़ी में पहले दिखाता हूँ आपको, आराम से दिखाता हूँ। आज मैं अपने पैसे से एक कार खरीदा है, यूट्यूब के पैसों से। ये आप देख सकते हैं, ये कार है ना। आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा के बताइए कि कौन सा कार है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप लोग YouTube पे काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि YouTube पैसा नहीं देगा या फिर YouTube पे ग्रो कैसे हो, ये बहुत से लोगों का ना लड़कों का सवाल है यार, YouTube पे ग्रो कैसे हो, क्या करें YouTube पे कि हम जल्दी से ग्रो हो जाए। हो सकता है कि ये सवाल आपका भी हो, आपके मन में भी ये चल रहा हो कि यार YouTube तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं। आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में। मेरे पास 5-6 चैनल ऐसे हैं जो मोनेटाइज हैं और सबसे अर्निंग होती है। कई बार आप मुझे जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, कई वीडियोज में मैंने आपको दिखाया भी है। तो देखो, मैं भी एक गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे माँ बाप भी कोई नौकरी या प्राइवेट चाहे सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। एक गांव में छोटे से किसान है, किसान भी नहीं कहूंगा, अपना काम करते हैं। थोड़ी बहुत खेत है ना, 10 कट्ठा खेत है, उसी में मेरे पिताजी जो भी धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, और उसी से हमारा रोजी रोजी रोटी चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बीघा बीघा खेत है और उससे हमारा मतलब टर्नओवर आ रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, खाने भर का भी नहीं होता है। हमारे घर में जितना खर्चा है, हम दो भाई हैं लेकिन उतने, और एक बहन मतलब थी जो शादी हो गया, दो भाई एक बहन थे और माता पिता थे, और हमारे दादा दादी भी हैं, मतलब हैं लोग। तो इतने लोगों का खाना जो है, 7 आदमी का खाना नहीं हो पाता था उस खेत से। तो मैं उस घर का बेटा हूं, और मैंने, और मैं क्या, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे पिताजी आज तक कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हमने कभी मारुति खरीदूंगा या फिर कोई कार खरीदूंगा, हमारे घर में भी कार आएगा, कभी कोई कल्पना नहीं किया था। मैं जब ये गाड़ी खरीदने वाला था और मैं पिताजी को बोला कि पिताजी मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, थोड़ा सा जगह मतलब बदला दीजिए जहां पे मैं गाड़ी रखूंगा, वो मजाक कर रहे हैं, साला पागल हो गया तू, तू गाड़ी औकात है तेरा गाड़ी खरीदने का, और तू गाड़ी खरीदेगा, है ना, इस तरीके से वो बोल रहे थे। तो मुझे भी लगा था यार मेरे पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो बात उस दिन समझ नहीं आती है, आज समझ आता है। वो इसलिए बोल रहे थे कि अबे हम लोग को तो रोजी रोटी भी खाने का नसीब नहीं होता है, एक वक्त का दाल खरीदने का पैसा नहीं है, और तू कार खरीदने की बात कर रहा है, तू सोच रहा है कि मैं हवा में उड़ जाऊंगा, है ना, तेरे बातों में मैं आ जाऊंगा, मतलब इस तरीके से मेरे को डांट रहे थे, जैसे कि मैं कोई गाड़ी खरीदने की बात कह के इतना बड़ा कोई अपराध कर दिया हूं, इतना बड़ा कोई गलती कर दिया हूं, है ना, इस तरीके से मुझे डांट रहे थे। लेकिन खैर, डांटा झगड़ा हो गया मेरे पिताजी से। मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मेरी बात को समझिए, मैं खरीदूंगा गाड़ी, आप थोड़ा जगह तो बनाइए, कहाँ रखेंगे, कैसे, मान लो इतना महंगा कोई गाड़ी खरीद रहा है, चलो 3-4 लाख का भी कोई गाड़ी खरीद रहा है तो उसके रखने के लिए व्यवस्था तो करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो व्यवस्था नहीं करेगा, व्यवस्था तो करेगा भाई, इसको रखेंगे कहाँ। आदमी एक साइकिल खरीदता है, उसको भी रखने के लिए कि बारिश ना लग जाए, पानी लग जाए, उसके भी मतलब व्यवस्था करता है। तो जरा सोचिए, जो 4-5 लाख रुपए का कोई संपत्ति खरीद रहा है तो उसके लिए व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं इसीलिए पहले ही सोच रखा था कि यहाँ मेरी गाड़ी होगी, यहाँ पे मतलब रखूंगा, यहाँ पे मैं सोता हूँ, ये मेरा स्टूडियो है, मतलब सब कुछ मैं प्लान करके चलता हूँ। तो यही बात मैं अपने पिताजी से डिस्कस कर रहा था, और मेरे को इतना गाली पड़ी, इतना मतलब भाई होता है ना पिटाई, वही नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। मैंने कान पकड़ लिया, मैंने कहा कि नहीं कहूंगा। फिर मैं 1 साल तक बिल्कुल चुपचाप था, गाड़ी खरीदने के बारे में सोच बात भी नहीं करता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीता और फिर मैं पिताजी को, फिर होता है ना कि जो कोई बात होता है फिर ताजा रहता है तो थोड़ा मतलब आदमी उस गुस्से में रहता है, लेकिन धीरे धीरे बात वो नॉर्मल हो जाती है, मतलब भूल भाल जाते हैं, भूल भाल गए। फिर मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे बात को समझिए, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो 1 साल बाद जब मैंने इस बात को फिर दोबारा कहा तो मेरे पिता के आंखों में एक चमक देखा, उनको देखा तो मेरे को लगा मतलब उनके चेहरे पर ना एक ऐसी खुशी थी, उनको भी लग रहा था कि हाँ यार लड़का कुछ कर रहा है और इससे ये कुछ कर रहा है, मतलब ये ज्यादा व्यस्त ही रह रहा है, ज्यादा बेला घूम नहीं रहा है। मैं भी बहुत बेला घूमा हूँ भाई, नाच ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जो भी होता है ना बहुत देखा है, गांव में रात रात भर गायब रहना, कोई घर वाले ढूंढ रहे हैं, खाना नहीं खाया, इधर से आ रहा हूँ गालियां दे रहे हैं, पिताजी अलग गालियां दे रहे हैं, पड़ोसी अलग बोलते हैं, रात रात भर घूमता रहता है लड़की के चक्कर में, इस चक्कर में बहुत लोग, बहुत तरह के गाँव में होते हैं ना, बहुत तरह के लोग बात निकालते हैं। लेकिन और मेरे पिता को इसीलिए यकीन नहीं था कि ये गाड़ी खरीदेगा,
और मैं उनको बताया भी नहीं था। आज भी मैं अपने पिता को बताया नहीं कि मैं वीडियोज बनाता। कोई कोई उनको बताया है कि आपका लड़का जो है ये यूट्यूब पे वीडियोज बनाता है, यूट्यूब से पैसा कमाता है, बहुत ज्यादा अर्निंग करता है। जब लोग उनको बताए ना, तब उनको यकीन हो गया और उनको मतलब विश्वास हो गया कि हाँ लड़का कुछ कर रहा है। और शायद कोई उनका दोस्त या मित्र मेरी वीडियोज को भी दिखाया होगा, है ना। तो मैं कोई गंदी वीडियोज तो बनाता नहीं हूँ कि मुझे शर्म है। मैं बिजनेस के बारे में, मोटिवेशनल बारे में, इस तरह का मैं वीडियोज बनाता था किसी किसी चैनल पे, है ना। तो वो देखे तो खुशी हुई, अरे मेरा लड़का इतना समझदार हो गया है, ये ज्ञान दे रहा है लोगों को। और लोग इसके वीडियोज को लोग बताते थे कि आपके लड़के को अरे हजारों लोग देख रहे हैं, एक एक हजार, पांच पांच हजार, कभी कभी तो लाख लाख लोग देख रहे हैं, दस दस लाख लोग आपके बच्चे को देख रहे हैं, आपके लड़का इतना ज्ञानवान है, लोग मतलब उनको बताते थे। तब मेरे पिता को लगा कि हाँ यार ये लड़का सही कह रहा है, लग रहा है गाड़ी खरीदेगा। तो मेरे को मतलब बिना कहे उन्होंने एक कैटरैन का, मतलब होता है ना गांव में कैटरैन सीट जिसको कहते हैं, उसका एक मड़ई बनाया, ठीक है, मड़ई बनाया और छवाया, मतलब उसको गांव में छवाते हैं, छवा दिया। और बोल रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी खरीदना तो यहाँ पे ला के रखना। मैंने उनसे बोला कि ये गाड़ी 10 लाख की है, 1 लाख, 5 लाख की है, 1-2 लाख की है, 3 लाख की, कौन सा खरीदूँ। तो कह रहा जा तेरे को जो मर्जी खरीद ले। मैंने कहा चलो मैं पहले 2.5 लाख रुपये का एक गाड़ी खरीदता हूँ, है ना, सेकेंड हैंड लिया। मैंने कहा कि नवा लेने, मैं देखो यार कभी भी मैं आपको नहीं कहता हूँ कि गाड़ी को नवा खरीदो। अब पूछिए क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आज या भविष्य में कभी भी आप गाड़ी खरीदेंगे, मतलब छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कोई भी, तो पुरानी गाड़ी खरीदने में थोड़ा साल, 2 साल, 5 साल का चला हुआ गाड़ी खरीदने में आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, ईएमआई का टेंशन नहीं है, नगद पैसा दे करके लेकर आना है, ठीक है। ये मेरे को ठीक लगता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के बस में रहूँ, किसी के कर्जे में रहूँ, कोई मुझे आकर बोले पैसा निकाल है, नहीं यार, ये सबसे मैं दूर रहना चाहता हूँ। और मैंने इस चैनल को खोला है जो ये मोबाइल वाला यूट्यूबर है, मैंने इस चैनल का नाम रखा है मोबाइल वाला यूट्यूबर। हो सकता है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे यूट्यूब से वीडियोज कैसे अपलोड करें, यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाए, यूट्यूब पे ग्रोथ कैसे मिलती है, यूट्यूब के बारे में ए टू जेड जो भी जानकारी है सब मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ। आप लोग इसको मोबाइल वाला यूट्यूबर, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल वाला यूट्यूबर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज नहीं करेंगे ना तो मैं इस भीड़ में खो जाऊंगा, मोबाइल वाला यूट्यूबर खो जाएगा, आप ढूंढते रहेंगे मोबाइल लेकर के। इसलिए कह रहा हूँ मोबाइल वाला यूट्यूबर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी सब दबा लीजिए। और यूट्यूब पे देखो सक्सेस होना कोई उतनी बड़ी बात नहीं यार, सक्सेस बने रहना ये बड़ी बहुत बात है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से आपने देखा होगा चैनल जो सक्सेस हुए थे और आज उसका पता भी आता पता भी नहीं है, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो यूट्यूब पे सफलता पाना तो मिल जाएगा, वो मैं एक वीडियो से आपको दिला दूंगा। मेरे को भी कई चैनल्स पे ऐसा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। एक वीडियो वायरल हो गई, मिलियन में व्यूज आ गया, आपके लाखों सब्सक्राइबर बन गए, चल रहा है सब काम चलेगा। लेकिन ये मेंटेन करके रखना, हर महीने रेवेन्यू कमाना, लाखों रुपए हर महीने कमाना, ये पॉसिबल करके रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दीबाजी में मत आओ, जल्दीबाजी में ये मत सोचो कि आज कैसे सक्सेस मिल जाए, कैसे वायरल। नहीं यार, जो बता रहे हो दिल से बताओ, सच बोलो, क्योंकि लोग सच सुनना चाहते हैं। अगर आप सच सुनना चाहते, आप झूठ सुनना चाहते हो, नहीं ना, आप ही सोचते हो कि यार सच बोले कोई, तो लोग भी सच ही सुनना चाहते हैं। इसलिए सच बोलो, झूठ ना बोलो। झूठ बोलोगे किसको धोखा दोगे आप। मैं आज ये गाड़ी कहूं कि मेरा ये 20 लाख का गाड़ी है, ये मर्सिडीज है, ये नहीं, आप अंदाजा लगाएगा कि गाड़ी कौन सा है। हालांकि मैंने एक सीक्रेट रखा है ताकि आप कॉमेंट कीजिएगा, है ना, कॉमेंट करके बताएगा ये गाड़ी कौन सा है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ गाड़ी के बारे में, ये देख लीजिए, ये गाड़ी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। अब आप इस डिजाइन से आप देख रहे होंगे ये गाड़ी कौन सा है। हालांकि इधर से धूप आ रहा है चेहरे पे थोड़ा सा इसलिए। और मैंने इस गाड़ी में हनुमान जी का एक फोटो रखा है, शंकर जी का। मैं बड़ा भक्ति आदमी हूँ यार, भगवान पे मैं बिलीव करता हूँ और भगवान पे ही बिलीव करके मैं जो भी काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। हम तो इंसान है यार, हमारी तो औकात का मतलब कुछ भी नहीं है कि हम ये सब खरीदें, गाड़ी खरीदें, बंगला खरीदें, कुछ नहीं मैं खरीद सकता, है ना। लेकिन जो भी है सब ये ऊपर वाले की कृपा है और हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग निगेटिव ना हो, है ना, आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत करके जो है नाम कमाइए, पैसा कमाइए, इतना ज़्यादा दौलत कमाइए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपनी ज़िंदगी को सुखी से बिताइए, ठीक है। शायद मैंने आपको जो समझाना चाहा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मेरी बात समझ आ रहा हो तो चैनल जो है ना मोबाइल वाला यूट्यूबर, इसको सब्सक्राइब कीजिए, मोबाइल वाला यूट्यूबर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद।